हर किस्म के फ्री लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर, हम इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे। इलस्ट्रेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, बैनर वगैरह बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड वगैरह बना सकते हैं, किसी भी कंपनी या चैनल का लोगो वगैरह बना सकते हैं और 3D इफेक्ट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक के यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जो इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होगा आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो है अडोब इलस्ट्रेटर CC पोर्टेबल, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, सबके अंदर काम सेम ही होगा, सिर्फ कुछ ऑप्शंस का डिफरेंस होता है, लेकिन काम हर वर्जन में एक ही जैसा होता है। ठीक है, और आज जो हम इलस्ट्रेटर के अंदर लेक्चर करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 5, डिज़ाइन फ्लावर वाज, यानी कि फूलों का जो गुलदान होता है आप वो किस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर ओपन कर लिया इलस्ट्रेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लावर वास डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसके अंदर शेप भी यूज़ होंगे, फ्लावर्स के सिंबल्स वगैरह भी यूज़ होंगे, तो उसके लिए हमें पेज लेना पड़ेगा। अब देखें इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी पहले मेन पेज वगैरह कुछ नहीं आता, क्योंकि आप ये ग्राफिक वाले जो सॉफ्टवेयर थे उनके ऊपर डायरेक्टली आप पिक्चर का भी काम कर सकते हैं, डायरेक्टली पिक्चर लेकर भी और शेप्स वगैरह बना के भी काम कर सकते हैं। तो हम फ्लावर वास जो क्रिएट करेंगे वो शेप्स के थ्रू करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू फाइल हमें चाहिए होगी, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, पेज चाहिए होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा न्यू, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। ठीक है, यानी कि अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं, नेम, प्रोफाइल, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, साइज, विड्थ एंड हाइट, मार्जिन सेट करके आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसकी आपने सेटिंग की होगी। अब मैं यहाँ से हैंड टूल लेकर अपने पेज को स्क्रीन के ऊपर सेट कर रही हूँ ताकि जहाँ मैं आपको इजीली जहाँ पर काम कर सकूँ। अब आपने क्या करना है, फ्लावर वास डिज़ाइन करना है इलस्ट्रेटर के अंदर, लेक्चर नंबर 4 है आपका। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आउटलाइन कलर को क्लोज कर देना है और कोई भी फिल कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ओके कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पॉलीगॉन टूल। ठीक है, पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप उसे क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे सेलेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की भी है, आप कीबोर्ड से भी प्रेस करके भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप शेप को सेलेक्ट करेंगे। शेप को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अब मुझे शेप को 3D इफेक्ट देना है ताकि मैं इसे गुलदान टाइप यानी कि जो वाज होता है उस टाइप अफेक्ट दे सकूँ। तो उसके लिए हम इसके ऊपर 3D अफेक्ट अप्लाई करेंगे। 3D अफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप अफेक्ट में जाएंगे, अफेक्ट वाले मेन्यू में जाएंगे। अफेक्ट वाले मेन्यू में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है 3D। 3D में आने के बाद आपने यहाँ से लेना है रिवॉल्व। रिवॉल्व लेने के बाद यहाँ पे आपके पास रिवॉल्व ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपने यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपके पास इस तरह से फ्लावर की शेप चेंज हो जाएगी। आप यहाँ से राइट एज होगा तो आप राइट एज कर सकते हैं, लेफ्ट एज से सिलेक्शन करना चाहें तो लेफ्ट एज से सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने फ्लावर वास का एंगल सेट कर सकते हैं। जिस मर्जी आप चाहें इसे रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे किसी भी तरह से रख सकते हैं। दोबारा अप्लाई करके निकालते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, 3D रिवॉल्व, और यहाँ से आपने प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करने के बाद ओके कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह से शेप आ जाएगी। अगर आपने आपको शेप को छोटा करना है तो आप यहाँ से जो डॉट नजर आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करके उसे छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से पेन टूल लेंगे। पेन टूल इसलिए हम लेंगे, हम इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि हम अपने फ्लावर की जो मेजरमेंट है, साइज़ है, उसको शो करने के लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ से पेन टूल लेंगे, अभी जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इसमें एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर दूसरा क्लिक थोड़ा सा फास्ते पे करके अपने इस तरह से इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा फास्ते पे करके इसको रोटेट करेंगे,
फिर थोड़ा सा फासले पे करके इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास क्या हो रहा है, ये बीच में कलर आ रहा है, तो कलर क्यों आ रहा है, यहाँ से आपके पास जो है फिल कलर ऑन है। आप फिल कलर क्लोज करके आउटलाइन कलर कोई भी लेना पड़े, सही, फिल कलर क्लोज करके आउटलाइन कलर लें, उसके बाद आप पेन टूल से लाइन ड्रॉ करें इस तरह। मेरे ख्याल से इतनी लाइन बहुत होगी, जो हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ किया इसको हम हटा देते हैं। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, दो पार्ट्स बहुत होंगे इसके, इस तरह से बस यहाँ तक दो पार्ट्स बहुत होंगे। स्कैप का बटन दबा देंगे तो आपकी लाइन से सिलेक्शन हट जाएगी। आप यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके पूरी लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल जीसस को ग्रुप कर देंगे। हमने क्या करना है, फ्लावर सिंबल्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें फ्लावर सिंबल की लाइब्रेरी ओपन करनी पड़ेगी, जो कि इसके अंदर सेव हुई होती है, कुछ फ्लावर सिंबल्स में बने हुए सेव हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से विंडो मेन्यू में जाएंगे। विंडो मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको छोटा वाला एरो नज़र आ रहा है सबसे लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नीचे और भी ऑप्शंस आपके पास आते जाएंगे। इन ऑप्शन में आप कहाँ पे आएंगे, यहाँ से आप सैम्बल्स में आ सकते हैं। ठीक है, सैम्बल्स लाइब्रेरी के अंदर आएंगे यहाँ से, ये नहीं, ठीक है। सैम्बल्स लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ इस तरह से आपके पास फ्लावर्स की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। इसमें से आप क्या करेंगे, कोई भी फ्लावर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, फ्लावर सेलेक्ट करने के बाद इस फ्लावर को हमने पेज के ऊपर ड्रॉ करना है, तो पेज के ऊपर फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी सिंबल को ड्रॉ करने के लिए उसका एक टूल होता है, हम वो टूल सेलेक्ट कर लेंगे टूल बार में से, जिसका नाम है सिंबल स्प्रेयर टूल। ठीक है, यहाँ से ये ले लेंगे सिंबल स्प्रेयर टूल, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एस। आप अगर शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो स्प्रेयर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप किस तरह से फ्लावर क्या होंगे, डिजाइन होते जाएंगे, ड्रॉ होते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे पेज पे तो वो ड्रॉ होते जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेके साइड पे क्लिक करना है, फिर कोई दूसरा फ्लावर आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस फ्लावर को सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा स्प्रेयर टूल लेंगे और आप क्लिक करेंगे तो वो फ्लावर इस तरह से ड्रॉ होते जाएंगे। इस तरह से आप उनकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा सिलेक्शन टूल लेके साइड पे क्लिक, कोई दूसरा फ्लावर सेलेक्ट किया, फिर आपने स्प्रेयर टूल लिया और इस तरह से आप क्या करते जाएंगे, क्लिक करके अपने वो फ्लावर्स जो हैं ड्रॉ करते जाएंगे। सिंबल ले लिया, फिर इस तरह से ड्रॉ कर अगर आपको ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है, यानी फ्लावर के सिंबल्स को कम साइज में छोटा बड़ा करना है, तो आपके पास कीबोर्ड में कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। ब्रैकेट ओपन से आप क्या करेंगे, साइज छोटा कर सकते हैं अपने टूल को, और ब्रैकेट क्लोज से साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सब ड्रॉ करते जाएंगे तो भी आप फ्लावर सेलेक्ट करेंगे। सारे सिंबल्स यूज करके दिखा रही हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं।
इस तरह से आप अपने पूरा जो भी है वॉश का इस तरह से इसको भर देंगे ताकि आपके जो फ्लावर्स हैं ये नज़र आ सके। पूरा भरा हुआ फ्लावर वाज होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, जिस तरह से मर्जी आप इसे डिज़ाइन करें। इस तरह से आपने पूरा अपने फ्लावर वास को भर देना है। ठीक है, इसको भरने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर लें यहाँ से या फिर सिलेक्शन टूल लेके पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल बी से आप क्या करेंगे, इस पूरे फ्लावर वास को ग्रुप कर देंगे। तो इस तरह से आप इलस्ट्रेटर के अंदर अपना जो है वास डिज़ाइन करके उसके ऊपर फ्लावर को सिंबल फ्लावर सिंबल्स को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स को यूज़ करते हुए फ्लावर वाज आप डिज़ाइन कर सकते हैं और 3D अफेक्ट देना भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से 3D अफेक्ट देके आप किसी भी शेप को उसको किसी भी दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 5 डिज़ाइन फ्लावर वाज कम्प्लीट हो गया है। आप इसको नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।